अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, जलन, तकलीफ और बेचैनी, आप सिर्फ तीन चीज़ों से दूर हो जाएगी। पेशाब के इन्फेक्शन को दूर करने का डॉक्टर ही सका आजमूदा और कामयाब नुस्खा। पेशाब की नाली में इन्फेक्शन, जलन, तकलीफ है, बेचैनी गर्मियों में खास सी बढ़ जाती है। UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से उमूमा खवातीन में खासा पाया जाता है और खासकर इन लड़कियों खवातीन में ज़्यादा होता है जो कि लकोरिया की तकलीफ में मुबतला होती हैं। लकोरिया की वजह से तकलीफ, बेआरामी, खारिश और जलन भी हो जाती है। इसके लिए पहले लकोरिया का इलाज भी होना ज़रूरी है ताकि नुस्खा जल्द असर कर सके। इसके साथ साथ पानी ज़्यादा पिए गर्मियों में, खास तौर पर आपको हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। पानी की कमी से भी गुर्दे और पेशाब की नाली से कई मसाइल जन्म लेते हैं। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो गोखरू 25 ग्राम, जीरा 25 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर पीस लें और इनका पाउडर बना लें। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को खाएँ। पानी के साथ इस्तेमाल करें, चंद ही दिन में इंशाल्लाह ताला तकलीफ खत्म हो जाएगी। जिन लोगों का कैटानल लेवल बढ़ जाता है वो भी अगर गोकरू का इस्तेमाल करें तो उनको कैटानल लेवल कम हो जाएगा। मॉडर्न रिसर्च, गोकरू में एक जूस पाया जाता है जिसमें अल्कोहाइड की खसूसियात मौजूद होती हैं। अलावा फलों में शामी मैदा और राल भी होती है और मदनी अज्जा भी शामिल बड़ी मकदार में पाए जाते हैं। पथरी गोकरू 25 ग्राम पानी, 25 ग्राम गोकरू को पानी में रगड़ कर छान कर सुबह व दोपहर शाम के वक्त पिलाने से गुर्दे या मसाने की पथरी या रेख दूर हो जाती हैं और रुका हुआ पेशाब खुलकर आता है और पेशाब की नालियों के जख्म व पीप रफा हो जाती है। गुर्दे का दर्द, गोकरू 20 ग्राम को 25 ग्राम 250 ग्राम पानी में जोश दें। जब आधा पानी रह जाए तो छान कर पिलाएं। दिन में 2 से 3 बार इसी तरह पिलाएं। दर्द गुर्दा के लिए बहुत मुफीद। मस्कुरा बिला तरीके पर गोकरू का इस्तेमाल प्रोटेस्ट में मुफीद है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, दूसरे तक क्लास में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।